ये द्वीप है वो ऐसे सपोर्ट लेके बैठता है। मेनली जो उसका प्रॉब्लम है वो उसका हैंड फंक्शन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अभी हैंड टू माउथ आया है, बाकी कुछ मतलब लेने का ऐसा पकड़ने का वो सब उसको नहीं आता है। पकड़ता है पर बाद में छोड़ देता है, पर वो ऐसे लेने नहीं जाता है, कुछ भी चीज दिखाओ तो वो लेने नहीं जाता है। फिर वो ऐसे बैठता है, थोड़ा सपोर्ट दे तो फिर वो बैठा रहता है। उसका रोलिंग भी अभी तक नहीं आया है, पर वो भी सपोर्टिव रोलिंग है, जैसे कि इसका अगर ऐसे पैर पकड़ के रखे तो वो ऐसे रोल करता है। रोल करने के बाद उसका हैंड फंक्शन नहीं है, इसके लिए थोड़ा क्राउलिंग नहीं करता है, बट पैर से ऐसे धक्का मार मार के वो आगे जाता है। और वो पूरे पैर पे वजन नहीं लेता है, सिर्फ टोज पे वजन लेके वो खड़ा रहता है। उसका कॉन्स्टिपेशन दूर हो गया है, स्टिल देर आर सम गैस्ट्रिक इश्यूज। भी उसका हेड साइज नहीं बढ़ा है, पर इधर ना थोड़ा गड्ढे जैसा था मतलब, तो वो भर रहा है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ वो इम्प्रूव होके हेड साइज बढ़े। थर्ड चीज़ ये है कि जो पहले वो बैठता था उसका स्टेबिलिटी इम्प्रूव हुआ है बैठने में। पहले वो 10-15 सेकंड के लिए बैठता था, नाउ मोर देन 15 सेकंड ही इज सिटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिपेशन हैज़ बीन कम्प्लीटली सॉल्व, देर इज़ नो प्रॉब्लम विथ कॉन्स्टिपेशन। अभी उसका पेट साफ हो रहा है तो उसका खाना भी बट गया है, वो अच्छे से खा रहा है। उसकी वजह से थोड़ा सा वेट गेन हुआ है, 200 ग्राम्स वेट गेन हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। प्लस उसका स्टेमिना बहुत बढ़ गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया है, तो उसका इस वजह से उसका एक्टिविटी भी बढ़ गया है। वो पहले एक ही पैर पे वजन लेके खड़ा रहता था, अभी स्टैंडिंग में ये इम्प्रूवमेंट है कि उसने दोनों पैरों पे वेट लेना चालू कर दिया है। वो फिलहाल विथ सपोर्ट स्टैंडिंग करता है, बट पहले बैठ जाता था तुरंत ही 1-2 सेकंड के बाद, अभी वो खड़ा रहता है, अच्छे से स्टैंडिंग भी कर रहा है। सिटिंग में भी ये इम्प्रूवमेंट है, अभी अकेले नहीं बैठता है, विथ सपोर्ट बैठ रहा है। पर पहले वो लेग एकदम स्ट्रेट रख रहा था, अभी वो लेग्स फोल्ड करके रिलैक्स रह के बैठ रहा है, तो उसकी वजह से सिटिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। अभी हाथ में भी ये चेंज दिख रहा है कि वो ना पहले अपना मुट्ठी नहीं खोलता था इजीली, अभी अपना मुट्ठी इजीली वो ओपन कर देता है और वो ओपन ही रखता है। एक्टिविटी बहुत बढ़ गया है उसका, पूरे दिन आवाज़ ये सब चालू रहता है, वॉइस भी बहुत बढ़ गया है, ड्रूलिंग काफ़ी कम हो गया है। ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से वो पेट के बल पे लेटा रहता है, पहले नहीं लेटता था, वो बहुत रोता था, अभी वो उसको उल्टा करती हूँ तो रहता है वो पेट के बल। उसका आई कांटेक्ट भी इंक्रीज हुआ है, पहले इतना आई टू आई हमारे साथ आई कांटेक्ट नहीं करता था, बट अभी वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, हम हंसते हैं वो सामने हमको स्माइल देता है।